एक छोटा कण। हेलो दोस्तों, मैं आ गया। आज मैं किसी से दोस्ती कराने आया हूँ। उसका नाम है एली पंजल। मेरा नाम है केंट। मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। तुम्हें करूँगा एंटरटेन। प्लीज बन जाओ ना मेरी फ्रेंड। लेकिन मैं ऊपर कैसे आऊँ? मुझे ऊपर आना है, ऊपर आना है। अब कैसे मिलूंगा तुमसे? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं ये एप्पल यानी सेब खा लेती हूँ। इससे मेरी चोटी लंबी हो जाएगी। वाह, देखा। मैं इस लाल रंग की चोटी को पकड़कर ऊपर आ जाऊंगा। यस। अरे नहीं नहीं, आ पा रहा हूँ। अब क्या करें? हाँ? अरे वो देखो। हाँ? मुझे तो टिम ने काम दिया है। इसे खा लेती हूँ। देखा, चोटी और बड़ी हो गई। ये मैं पीली रंग की चोटी को पकड़कर ऊपर आ जाता हूँ। अरे नहीं आ पा रहा। अब क्या करेंगे? पता नहीं। रुको, मेरे पास आइडिया है। ये लो नाशपाती। ठीक है, जल्दी से इसे खा लो। देखो मेरी चोटी और लंबी हो गई। अब मैं जल्दी से हरे रंग की चोटी को पकड़कर ऊपर आ जाऊंगा। अरे नहीं, इससे भी काम नहीं बना। मुझे नहीं लगता केंट तुम ऊपर आ पाओगे। अरे ये धम 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 की आवाज कहाँ से आ रही है? ओह, ये तो डायनो अंकल है। ये भी मेरे लिए फल लाए हैं। ओह, ब्लूबेरीज। वाह, अब मैं नीले रंग की चोटी को पकड़कर ऊपर चढ़ ही जाऊंगा। हाँ। ये लो, मैं आ गया। ये पी। मैं आ रहा हूँ, चढ़ के आ रहा हूँ। मैं आ गया। बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। दोस्तों, पता है हमें हर रोज नई नई बातें कौन सिखाता है? वो है हमारी टीचर, जो स्कूल में हमें रोज कुछ नया सिखाती है। आई लव माई टीचर। वो रोज हमें होमवर्क देती है, जिसे हम घर पर आकर पूरा करते हैं। मैं तो हर रोज अपना होमवर्क करके जाता हूँ। दोस्तों, तुम सब भी करके जाते हो ना? टाइम पर होमवर्क करना बहुत जरूरी होता है। टीचर हमारा क्लास टेस्ट भी लेती है और उसमें लियो फर्स्ट आया था और मैं सेकंड। उसके बाद उन्होंने हमें 1 से 10 तक की गिनती लिखने के लिए कहा, लेकिन उसमें सबसे पहले मोमो ने गिनती पूरी कर ली और फिर हम सब ने। उन्होंने हमें अल्फाबेट्स भी सिखाए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। पता है 26 लेटर्स होते हैं, तुम सब जानते हो ना? आज रिवाइज कर लेना। और पता है, टीचर हमें बाहर ग्राउंड में भी लेकर जाती हैं और हम अलग अलग खेलों के बारे में सीख लेते हैं। एक दिन हमने सोचा कि टीचर को कुछ गिफ्ट दिया जाए, इसीलिए हमने बगीचे से कुछ फूल तोड़कर उन्हें दे दिए और वो मेरी टीचर को बहुत पसंद आए। उन्होंने हमें ग्रीटिंग्स और मैनर्स भी सिखाए हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट और प्लीज वेलकम और थैंक यू। टीचर ने हमें दिनों के नाम भी सिखाए हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे को मैं बहुत खेलता हूँ। टीचर ने हमें ये भी सिखाया कि कैसे कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई यानी तितली बनती है और वह हमें बहुत मजा आया। अरे अरे तितली रानी, कहाँ चली कहाँ चली? उड़ गई। बाय, फिर मिलना। टीचर हमें सुंदर सुंदर ड्राइंग भी बनाना सिखाती है। और पता है, रेनबो यानी इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और पता है, टीचर ने मुझे अलग अलग शेप्स यानी आकार के बारे में भी बताया। और सबसे फेवरेट आकार है हार्ट। इतना ही नहीं, वो तो हमें म्यूजिक भी सिखाती है और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बताती है। सारा दिन हमारे साथ रहती है टीचर। हम सब क्लास में खूब मस्ती करते हैं। दोस्तों, हमें अपनी टीचर की खूब इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे गुरु है और हमें बहुत कुछ सिखाती है। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गया।
आपका प्यारा सा दोस्त कैंटी एलिफेंट। लेकिन आज मैं आपको नजर नहीं आऊंगा, क्योंकि आज मैं अपने दोस्त टीम की कहानी सुनाने वाला हूँ, जो अलग अलग कलर्स दिखाएगा। और कलर्स के बारे में जानने के लिए वो अपने हवाई जहाज में निकल पड़ा। और ये चला जहाज वहाँ उसने इंद्रधनुष भी देखा। पता है दोस्तों, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। फिर उसने पीले डैफोडिल्स का बड़ा बाग देखा। उसके बाद दूर दूर तक फैला हुआ नीला समंदर, जिसमें अलग अलग रंग की मछलियाँ भी थी। दुनिया कितनी रंगीन है ना दोस्तों। मुझे अभी अभी याद आया कि मेरे दादाजी का संतरों का एक बड़ा सा बाग था। और संतरे होते हैं नारंगी रंग के, और उसके पेड़ की पत्तियाँ हरी थी, और तितलियाँ भी थी नीले रंग की। मोमू के घर में ऑर्किड के फूल लगे हैं, जो बैंगनी रंग के होते हैं, और उसके यहाँ स्ट्रॉबेरीज भी हैं, जो कि लाल रंग की होती हैं। जब हम उसके घर जाते हैं तो ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज खाते हैं। अब चलते हैं टिम के पास। टिम ने उड़ते वक्त सफेद डव पक्षियों को भी देखा। कितने सुंदर है ना। पता है, सफेद रंग और डव पक्षी दोनों ही शांति का प्रतीक होते हैं। रात के वक्त अंधेरा होता है और वो काले रंग का होता है। टिम थक गया तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया, जिसका कलर था भूरा। गुड नाइट टिम, बाय। दूसरे दिन वो फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा। उसने अपने हवाई जहाज में पूरी दुनिया का सफर कर लिया। गोल 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 बस घूमता ही रहा। अरे गोल गोल इसलिए क्योंकि दुनिया गोल होती है ना। चलो अब रिवीजन करते हैं। ये है येलो यानी पीला, ब्लू यानी नीला, ऑरेंज यानी नारंगी, ग्रीन यानी हरा, पर्पल यानी बैंगनी, और ये है रेड यानी लाल, और टिम का फेवरेट पिंक यानी गुलाबी। अगला वाला है व्हाइट यानी सफेद, और ये देखो काले रंग का चमगादड़, और इस उल्लू का कलर है ब्राउन यानी भूरा। देखो कितने सारे रंग है। बाय बाय दोस्तों, रंगों को भूलना नहीं, और मुझे बताना तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। अगली बार मिलूंगा। हाँ, मौसम भी कितना प्यारा है ना। अरे केंट कहाँ चला गया? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ये लो तुम सबकी आइसक्रीम। टिम, तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी। लूक और मोमू, तुम दोनों के लिए भी लेकर आ रहा हूँ। मैं अभी आया। ओ, अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरी आइसक्रीम गिर गई। I'm sorry. कोई बात नहीं, तुमने जानबूझकर थोड़ी ना किया। चलो अब जल्दी से गले लग जाओ। ये देखो देखो, मैं आइसक्रीम लेकर आ गया। ये लो केंट, मेरे प्यारे दोस्त। चलो केंट, अब तुम खुश हो तो इसी बात पर एक प्यारा सा गाना सुना दो। अच्छा ठीक है, तो सुनो। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। खुश रहना है एक्सेलेंट, लेकिन रोना नहीं है रेलेवेंट। इमोशंस के बिना नहीं है एंटरटेनमेंट। मजा आ गया। चलो एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी तो गेम में हार जाने पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब हम अपने मन को शांत करके अपने दोस्त को सॉरी कहते हैं तो गुस्सा भाग जाता है। चलो चलो, भागो भागो, जाओ जाओ जाओ। कभी कभी हम बहुत घबरा जाते हैं कि हमारा कितना सारा काम बचा है, कुछ समझ नहीं आता, और तब हमारी टीचर हमारा साथ देती है और काम पूरा करने में हमारी मदद करती है। पता है दोस्तों, हम हमेशा एक जैसा नहीं सोच सकते। हम सब में सारी फीलिंग्स होती हैं। ये बात हमें टीचर ने ही सिखाई है। आप सोच रहे होंगे ना, हम में क्या फीलिंग्स होती हैं? रुको, मैं समझाता हूँ। कभी कभी हम सब खुश होते हैं, कभी कभी हम गुस्से में होते हैं, कभी कभी दुखी होते हैं, तो कभी कभी घबरा जाते हैं। पता है एक दिन क्या हुआ? टीम को मस्ती करनी थी, हम सब पिकनिक पर थे, और अचानक उसने हमें डरा दिया। वो बहुत मस्ती के मूड में था, और हमने उस दिन बहुत मजे किए। वाह, आज मजा आ रहा है ना? वो देखो गुब्बारे वाला। चलो गुब्बारे खरीदते हैं। अरे ये बने क्यों लड़ रहे हैं? बाप रे, बहुत गुस्से में लग रहे हैं। सब सब इधर आ जाओ। टीम, तुम जाओ समझाओ। ये लो, और लड़ाई मत करो, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अरे तुम लोग क्यों दुखी हो? ये गुब्बारा लो और जल्दी से मुस्कुराओ। दादी माँ, ये लीजिए आपके लिए। अरे वाह, सब कितने खुश लग रहे हैं ना।
चाहे जो भी हो जाए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और बाकियों को भी खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। बाय बाय दोस्तों, केंट आपसे जल्द ही मिलेगा। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चुटकू सा एलिफेंट। हम जाएंगे इन द ट्रेन, आज सीखेंगे फलों के नेम और साथ में गिनती भी होगी मेरे फ्रेंड्स। 1 वाटरमेलन यानी 1 तरबूज। चलो आगे बढ़ते हैं। चिक 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 चिक, आगे कौन सा आएगा देखते हैं। 2 एप्पल्स यानी 2 सेब। चिक 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 चिक, वाह मजा आ रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या है। पुश पुश पुश। 3 मैंगोज यानी 3 आम। आम तो मेरा फेवरेट है, आपका फेवरेट कौन सा है? पुछक 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 पुछक। 4 स्ट्रॉबेरीज यानी 4 स्ट्रॉबेरीज। चलो आगे देखते हैं और क्या है। चिक 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 चिक। यहाँ पर क्या होगा? 5 ऑरेंजेस यानी 5 संतरे। मजा आ रहा है दोस्तों और सीखने को भी मिल रहा है। हाँ पहुँच गए। पुचक 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 पुचक। 6 ड्रैगन फ्रूट यानी 6 ड्रैगन फ्रूट। ये रेलगाड़ी चक 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 चक, रेलगाड़ी चक 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 चक, पू पू चुक 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 चुक। 7 पेड़ यानी 7 नाशपाती। पहुँच गए। 8 बंचेस ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर के 8 गुच्छे। आपको भी मजा आ रहा है ना फ्रेंड्स? हाँ पहुँच गए। 9 कीवीज यानी 9 कीवी। कीवी 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 कीवी, चुक 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 चुक। यानी 10 केले। बाय बाय दोस्तों। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चुटकू सा एलिफेंट। आज सॉल्व करूंगा पजल मेरी फ्रेंड्स, बड़ा मजा आएगा देखना टिल द एंड। चलो बताओ इसमें क्या हो सकता है, बताओ बताओ। वाह ये तो पेड़ लग रहा है। अरे ये भी पेड़ है, ये तो समझ में नहीं आ रहा इसे कैसे जोड़ूंगा। अरे अरे ये तो मिल रहा है। ये तो लायन है यानी शेर, जंगल का राजा। अब देखते हैं दूसरा कौन सा है। कार्ड्स आ गए, इस बार मैं पहचानने की कोशिश करूंगा। चलो फ्रेंड। वाओ ये तो मैं लग रहा हूँ, आप पर कुछ कह नहीं सकता, पूरा देखना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा। अरे 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 ये तो मैं ही हूँ, चुटकू सा एलिफेंट यानी हाथी। अब देखते हैं अगला कौन सा आएगा। 4 कार्ड आए, देखते हैं कौन सा। अरे ये क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ समझ आ गया, मैं बता सकता हूँ। आप बता सकते हो फ्रेंड्स? ये है एलिगेटर यानी घड़ियाल। तो दोस्तों आज हमने सीखा लायन यानी शेर और एलिफेंट यानी हाथी। बाय बाय। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलो चलो उठ जाओ, सुबह हो गई बेटा, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ वरना लेट हो जाओगे। केंट सुबह सवेरे उठता है, रात को जल्दी सोता है, उठते ही जाता है बाथरूम में, ब्रश करता है येलो ब्रश से। येलो यानी पीला। टिंग 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 निंग 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 निंग। फिर नहाता है गर्म पानी से, साबुन लगाता सफेद 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 यानी व्हाइट। मम्मा लाती है लाल रे।
प्रेस जो नहीं होती है प्रेस। चेंज करो। फिर लाती है हरी ड्रेस जिससे केंट नहीं होता इम्प्रेस। फिर आती है नीली ड्रेस और वो है उसकी फेवरेट। येहे! अब वो जाएगा बाहर और वहाँ पर आएगी उसकी, क्या आएगी उसकी, बोलो बोलो बोलो। हाँ, उसकी स्कूल बस। बस में है उसके दोस्त जो मिलते हैं उसको हर रोज। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मुझे मिस कर रहे थे ना? देखो मैं फिर से आ गया। आज मॉर्निंग में मम्मा ने मेरे लिए स्ट्रॉबेरी शेक बनाया था, तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना आज भी मैं आपको रंगों के बारे में सिखाऊं। बॉल्स अच्छे से शेक हो गई हैं। अब इन्हें खोलूंगा। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट, सबको करूँगा एंटरटेन, आज बनाऊंगा शेक करके रंग। अब मैं इन्हें इस जार में डाल दूंगा और ये गई अंदर और बंद कर दिया। ये आई यहाँ, इन्हें मिक्स कर देता हूँ। हो गया। अरे ये क्या बन गया? ये तो बड़ी सी गेंद है, ये हिल क्यों रही है? अरे अरे हिलना मत करो। रेड, और इसका आकार है सर्कल यानी गोल। अब देखता हूँ अगला वाला कौन सा है। अरे अरे इतनी सारी छोटी बॉल्स, पता नहीं इनसे क्या बनेगा। चलो देखता हूँ। अरे हिलना तो बंद करो। हाँ हो गया। अब इन्हें खोल दिया। अब इन्हें स्कूप करके ले लो। पता नहीं ये कौन से वाले में जाएंगी। ये वाला खुल गया और ये गई छोटी छोटी गेंद इसके अंदर। और ये आई मिक्सर के ऊपर। अब पता है क्या होगा? गोल 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 मिक्स हो गई होगी और ये बड़ी सी गेंद बनी और फिर से शेक हो रही है। अरे 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 रुको रुको। येलो यानी पीला और ये एक येलो स्टार है यानी सितारा। टिम 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 टिम, बंद हो गया। अब देखते हैं। अरे अरे वापस से बॉल्स आ गई। आओ बुक 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 बुक, बस करो भाई, अब अरे बस करो। हाँ हो गई। अब ये खुल गई। पता नहीं ये कौन से वाले में जाएंगी, आप गैस कर सकते हो दोस्तों? शायद मुझे पता है। हाँ यही वाला खुल गया और ये बॉल्स गई इसके अंदर। बंद कर दिया और ये गई कहाँ, अभी कहाँ गई है? मिक्सी के अंदर। गोल 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 गोल। और ये बड़ी सी गेंद बाहर आई और ये शेक हो रही है। शेक 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 शेक। पुश। ये है ग्रीन कलर यानी हरा और इसमें से बत्तख बाहर आई यानी डार्क। ओ ओ वापस इतनी सारी बॉल्स। ये कौन सा कलर है? वाओ बहुत अच्छा कलर लग रहा है ना, आप गैस कर सकते हो कौन सा है? चलो तब तक गैस कर लो। खुल गया। अब देखते हैं ये वाला कौन से वाले में जाएगा। वैसे अभी तो आखिरी एक ही बचा है, उसी वाले में जाना चाहिए ना। हाँ, खुल गया और ये गई बॉल उसके अंदर। बंद हो गई मिक्सी के अंदर। मिक्स 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 मिक्स। बड़ी सी गेंद वापस आ गई है और ये शेक होने वाली है। गोल 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 गोल। ये है ब्लू कलर यानी नीला और इसके अंदर से आया बेर यानी भालू। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं वापस आ गया। आज हम रंगों के नाम सीखेंगे। और वुश 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 वुश, ये है रेड यानी लाल और ये गेंद गई ट्रक में। अब दूसरा रंग देखते हैं। चलो चलो वुश 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 वुश, ये है ऑरेंज यानी नारंगी। भर गई सारी की सारी। अब
देखते हैं अगला कलर कौन सा है। चलो 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 गैस करो। येलो यानी पीला, मेरा फेवरेट। आपको याद है ना? चलो नेक्स्ट पे। अब कौन सा कलर आएगा? ब्लू यानी पीला। और सारी बॉल्स फिट हो गई। अब बचा है आखिरी रंग, देखते हैं ये वाला कौन सा होगा। ग्रीन यानी हरा। डुम 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 डुम। चलो देखते हैं, सारे कलर्स हो गए। अरे आप सोच रहे होंगे ये ट्रक कहाँ जा रहा है, और ये भी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ। तो ये सारी गेंदे आ रही है केंट के पास। ये मजा आ गया। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। लाल गेंदे हैं मेरी पसंद, इनसे खेलने का है मेरा मन। अब देखता हूँ कौन सा ट्रक आएगा। तो मेरे पास आ रही है ऑरेंज यानी नारंगी गेंदे, और ये आ गई। मेरा नाम है केंट, वो मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। लाल और नारंगी गेंदे मेरी पसंद, इनसे खेलने का है मेरा मन। मजा आ गया। अब देखता हूँ कौन सा ट्रक आएगा। वाह, ये तो मेरा फेवरेट रंग है। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, केंट इंतजार कर रहा है। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। लाल नारंगी पीली गेंदे है मेरी पसंद, इनसे खेलने का है मेरा मन, है ना? अब कौन सा ट्रक आएगा? आ जाओ आ जाओ। ब्लू 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 यानी नीला। आ जाओ जल्दी आ जाओ। वाहू, मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। लाल नारंगी पीली नीली गेंदे है मेरी पसंद, इनसे खेलने का है मेरा मन। अब कौन सा ट्रक बचा है? लास्ट ट्रक बचा है, देखता हूँ कौन सा कलर होगा। ओ, ये तो ग्रीन है यानी हरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। लाल नारंगी पीली नीली हरी गेंदे है मेरी पसंद, इनसे खेलने का है मेरा मन। पानी के बिना बाथटब में ऐसी गेंदों से खेल सकते हैं। बाय। हेलो दोस्तों, मेरे खिलौने बहुत सिंपल है, आज मैं इन्हें पेंट करूँगा। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। आज करूँगा खिलौनों को पेंट, बड़ा मजा आएगा सच में मेरे फ्रेंड्स। टकबक टकबक। अरे वाह, मेरा हॉर्स यानी घोड़ा कितना सुंदर लग रहा है। आपको पता है दोस्तों, घोड़े ना खड़े होकर और लेटकर दोनों तरह से सो सकते हैं। और खाने में ना ये सिर्फ घास खाते हैं। इनकी लाइफ 25 इयर्स तक की होती है। और बड़े होकर मैं हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी भी सीखूंगा। हॉर्स जहाँ रहता है उसे अस्तबल कहते हैं, और इसके अस्तबल का कलर है ग्रीन यानी हरा। हेलो दोस्तों, ये मेरा दूसरा खिलौना है, डक यानी बतख। इसे भी पेंट कर दूंगा। क्वैक 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 क्वैक। और ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये? हाँ, रंग के अंदर। ओ, कितना सुंदर लग रहा है ये रंग, इस पे बहुत अच्छा लग रहा है। पता है दोस्तों, बतख के पंख ना वाटरप्रूफ होते हैं, यानी वो पानी में जाने पर भी गीले नहीं होते। उन्हें खाने में पौधे और मछलियाँ पसंद है, और वो बहुत ही प्यारे और सुंदर होते हैं। और अब ये डक जा रही है अपने घर में, जिसका रंग है येलो यानी पीला। ये मेरा फेवरेट कलर है। हेलो दोस्तों, ये है मेरा तीसरा खिलौना, डियर यानी हिरन। अब देखते हैं ये किस रंग का बनेगा। और ये कलर हो रहा है। वाओ, कितना प्यारा लग रहा है ये। दोस्तों, तुम्हें पता है हिरन के सर पर ना सींग होते हैं, जैसे काऊ के भी होते हैं। ये ऊंची ऊंची छलांग लगाते हैं और तैर भी सकते हैं। इनके पैर लंबे होते हैं और उनकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं। ये जा रहा है अपने घर में, जिसका कलर है ऑरेंज यानी नारंगी। गया।
अंदर। हेलो दोस्तों, ये है मेरा फेवरेट टॉय, मेरा प्यारा सा डॉगी। मेरे पास घर पे एक डॉगी है जिसका नाम है ब्रूजो। चलो ब्रूजो पूल में जाओ, कलर हो जाओ, जाओ 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 जाओ, ये गया। बहु 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 बहु, कितना प्यारा लग रहा है ये। ब्रूजो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और डॉग्स बहुत फेथफुल भी होते हैं। जब मैं स्कूल जाता हूँ ना तो वो मुझे बहुत मिस करता है, लेकिन जब मैं वापस आ जाता हूँ तो खुशी से अपनी पूंछ हिलाता है। डिंग 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 डिंग। और अब ये जा रहा है अपने घर जिसका कलर है रेड, यानी लाल। बाय ब्रूजो। हेलो दोस्तों, अरे ये तो मैं ही हूँ, छोटू सा एलिफेंट यानी हाथी। जाओ हाथी मेरे साथी। हाथी की आवाज को बोलते हैं ट्रम्पेट। ट्रम्पेट 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 ट्रम्पेट, गो गो गो, गया। वाओ कितना सुंदर लग रहा है ये। अब मैं आपको एलिफेंट्स के बारे में बताता हूँ। हम लोग ना दुनिया के सबसे बड़े एनिमल्स हैं और मुझे बहुत भूख लगती है, लेकिन मुझे सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्लांट्स ही पसंद है। मैं छोटू एलिफेंट हूँ ना, इसीलिए मुझे काफ कहते हैं। चलो अब मैं अपनी बॉक्स में जा रहा हूँ, बाय बाय। मेरी बॉक्स का कलर है ब्लू यानी नीला। मैं फिर से आ गया दोस्तों और मेरा अगला टॉय है स्नेल। चलो चलो स्नेल, चलो क्यूटू क्यूटू छोटे से, जाओ 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 जाओ, कलर हो जाओ। देखते हैं इसे कौन सा रंग मिलता है। अरे वाह, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। स्नेल ना बहुत स्लो चलते हैं, कुछ 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 कुछ, और केंटू कभी कभी उनके साथ खेलता भी है। वो बहुत प्यारे होते, किसी को कभी तंग नहीं करते। उनके सर पे ना दो ट्विंग होते हैं और वो बड़े प्यारे होते हैं, और जब ये चलते हैं तो पीछे कुछ चिपचिपा सा छूट जाता है। इसके घर का कलर है पर्पल यानी बैंगनी। गई अपने घर में, बाय बाय। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुट्टू सा एलिफेंट, तुम्हें खिलाऊंगा क्विज टिल दी एंड, और कोई एक होगा विनर मेरा फ्रेंड। हाय केंट। चलो अब जल्दी से बताओ ये कौन सा फल है। चलो तुम्हें एक हिंट देता हूँ, इसमें छह अक्षर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। पहला अक्षर है ओ और आखिरी अक्षर है ई। बताओ क्या होगा। क्या मैं जानता हूँ, मुझे पता है, ये है ऑरेंज यानी नारंगी। इसकी स्पेलिंग है ओ आर ए एन जी ई। ये हो गया ऑरेंज यानी नारंगी। ये मैंने सही बताया। दोस्तों अब तुम इस शेप को गैस कर सकते हो। चलो एक हिंट देता हूँ, इसके चारों किनारे एक समान होते हैं और इसमें छह अक्षर आते हैं, 1 2 3 4 5 6, जो शुरू होता है एस से और खत्म होता है ई से। गैस करो, चलो चलो बोलो। क्या होगा? मुझे पता है, ये है स्क्वायर यानी चौकोर। बढ़िया। अरे इसकी स्पेलिंग है एस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर यानी चौकोर। ये बढ़िया गेम। अब बता सकते हो ये रंग कौन सा है। हिंट देता हूँ, ये तीन अक्षर से मिलकर बना है, बीच का अक्षर होता है ई। बताओ गेस करो, जल्दी बताओ। मुझे पता है, ये है रेड यानी लाल। बहुत बढ़िया। इसकी स्पेलिंग है आर ई डी, रेड यानी लाल। ये मैं टीम से आगे हूँ। अब चलो इस सब्जी को पहचान कर बताओ। हिंट देता हूँ, इसमें आते हैं 8 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बीच में आते हैं ओ सी और आई। चलो चलो गैस करके बताओ। चलो हाँ याद आया, ये है ब्रोकली। ये इसकी स्पेलिंग है बी आर ओ सी सी ओ एल आई, ब्रोकली। देखा, मैंने बता दिया। तो क्या इसे गैस कर सकते हो। ये एक व्हीकल है यानी गाड़ी, इसमें 9 अक्षर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बीच में है एच
एल और एस। तुम इसमें रोज सुबह बैठते हो, जल्दी बताओ। हाँ, मैं बता सकता हूँ ये क्या है। ये है स्कूल बस। इसकी स्पेलिंग है एस सी एच ओ ओ एल बी यू एस, स्कूल बस। ये है, मैं जीत गया। मैं जा रहा हूँ, बाय। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चुटकुले सा एलिफेंट। आज मुकाबला है ल्यूक के संग, बड़ा मजा आएगा देखना मेरे फ्रेंड्स। दोस्तों, आज फुटबॉल के मैच के दौरान हम रंगों के नाम भी सीखेंगे। मारो और ये मारा। देखना, मैं बॉल को रोक लूंगा और गोल नहीं होने दूंगा। आजा 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 आजा। अरे नहीं, लेकिन मैं जीत गया। देखता हूँ मुझे कौन से रंग का बैज मिला है। आ जाओ आ जाओ, रेड यानी लाल। और मैं जीता इसीलिए मुझे एक और गोल करने का मौका मिलेगा। तो मैं तैयार हूँ, ये वाला भी जीतूंगा। अब की बार तो रोक कर ही रहूंगा। आजा आजा। ये मारा। गोल 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 गोल। पकड़ ली पकड़ ली। ये मैं जीत गया। अरे ये क्या हो गया, हम मैं एक और गोल नहीं कर पाऊंगा। मैं जीता हूँ और इस बार मुझे मिला है ग्रीन बैज यानी हरा। बड़ा मजा आया। अब मैं केंट को नहीं जीतने दूंगा और इस बार गोल मैं मारूंगा। इस बार केंट जीतने नहीं देगा, इस बार केंट पकड़ लेगा। अच्छा ये लो। आजा 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 आजा। और मैं पकड़ लूंगा, पकड़। गिर गया। केंट मैं तो जीत गया। ऐसा फिर से हो गया। और मैं जीत गया। देखते हैं कौन से रंग का बैज मिला है। ये है पिंक यानी गुलाबी। मैं फिर से जीता, तो अब मैं फिर से गोल करूंगा। तैयार हो केंट? केंट इस बार जीत कर ही रहेगा। केंट को जीतना ही होगा। गोल नहीं जाने दूंगा। तो ये आ रहा है गोल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे हाथ में आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हो गया? अरे कहाँ गई कहाँ गई? अरे पीछे चली गई। फिर से निकल गई। वो मैं फिर से जीत गया। इस बार मुझे मिला है येलो बैज यानी पीला। अरे ये तो मेरा पसंदीदा रंग है। केंट, मेरे पास तीन बैज हो गए, अब एक और बैज जीतूंगा। इस बार तो केंट जीत के ही रहेगा किसी भी हाल में। अब मैं जीत जाऊंगा। आ जाओ आ जाओ, पकड़ लूंगा पकड़ लूंगा, इस बार पकड़ लूंगा। आई, पकड़ लिया, बोला था। अरे ये केंट जीत गया। ये फिर से विनर हो गया। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? देखते हैं कौन से रंग का बैज मिलेगा। ब्लू यानी नीला। वाह, अब गोल करने की मेरी बारी है। फिर से आ गया मैं। इस बार तुम गोल नहीं कर पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे। ये लो। गई 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 गई। आजा आजा आजा, गोल हो जा। ये है, मैंने बॉल पकड़ ली। ये मैं फिर से जीत गया। ये कैसे हो गया? आप क्या करो? मुझे मिला है ऑरेंज बैज यानी नारंगी। ये मेरा दोस्त लूक जीत गया। कोई बात नहीं, अगर मैं हार गया तो क्या हुआ? मेरा दोस्त तो जीत गया ना, और दोस्तों की जीत अपनी ही जीत होती है। बाय बाय दोस्तों। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चुटकुले सा एलिफेंट। आज बड़ा मजा आएगा देखना मेरे फ्रेंड्स। अरे ये घर इतना फीका और बेरंग क्यों लग रहा है? चलो इसमें रंग भरते हैं और इसमें डिजाइन भी बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले आ रहा है सर्कल यानी गोला। ये कहाँ फिट होता है?
हाँ ये आ गया। अब देखते हैं ये कहाँ आएगा। रेक्टेंगल यानी संगोल। ये यहाँ फिट हो गया। अब कौन सा आकार रहेगा। स्क्वायर यानी चौकोर। इसे यहाँ सेट कर देता हूँ। अब ट्रायंगल यानी त्रिकोण। और ये जाएगा घर के सबसे ऊपर। इसके बाद आएगा स्टार यानी सितारा। ये घर के ऊपर लगाऊंगा, बड़ा प्यारा लगेगा। और ये पूरा हो गया। ये, ये।, ये वाला है ऑरेंज यानी नारंगी। त्रिकोण था रेड यानी लाल रंग का। चौकोर था येलो यानी पीले रंग का। और गोला था ब्लू यानी नीले रंग का। और पता है सितारा था पिंक यानी गुलाबी रंग का। वाह! ये टास्क तो मैंने पूरा कर लिया। बहुत मजा आया दोस्तों, है ना? बाय बाय। मेरा नाम है केंट। मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। आज का टास्क है मेरी पसंद फल और सब्जियों के नाम सीखेंगे हम। पर ये सारे तो एक साथ है, केंट तो कंफ्यूज हो जाएगा। चलो इन्हें अलग करें। अब काम आएगी मेरी जादू की छड़ी। गिली गिली विश। दोस्तों पता है ये क्या है? सोचो सोचो। हाँ ये है स्ट्रॉबेरी। इसे मम्मा बहुत मीठा मीठा स्ट्रॉबेरी शेक भी बनाती है और मुझे बहुत पसंद है। गिली गिली विश। अब बताओ ये क्या है? जल्दी जल्दी बताओ। ये है एक एग प्लांट यानी बैंगन। इसे ब्रिंजल भी कहते हैं। ये जाएगा सब्जी की टोकरी में। गिली गिली विश। ये क्या है? किसको पता है बताओ। चलो जल्दी जल्दी। हाँ इसे फलों का राजा कहते हैं। ये है मैंगो यानी आम। ये एक फल है और मेरा फेवरेट है। गिली गिली विश। अब बताओ ये क्या है? अरे जल्दी बताओ ना दोस्तों। ये है ब्रोकली यानी सब्जी। ये सब्जी बहुत हेल्दी होती है। गिली गिली विश। अब देखते हैं ये क्या है? सोचो सोचो। हाँ ये एक पेड़ है यानी नाशपाती। और ये फल डैडू को बहुत पसंद है। गिली गिली। ये फूल जैसा दिखने वाला क्या है? बताओ बताओ बताओ। हाँ ये है कैबेज यानी पत्ता गोभी। और ये सब्जी की टोकरी में जाएगा। गिली 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 विश। चलो जल्दी बताओ ये क्या है? बताओ बताओ बताओ। हाँ ये है बीटरूट यानी चुकंदर। ये एक सब्जी है। मम्मा मुझे उसका सैलेड बना कर देती है। अब देखते हैं अगला क्या है। गिली गिली विश। बताओ ये क्या है? ये है बताओ बताओ एप्पल यानी सेब। ये फल है। टीचर कहती है कि रोज एक सेब खाने से हमें कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा। गिली गिली विश। ये क्या है बताओ? चलो चलो सोचो सोचो। हाँ ये है पम्पकिन यानी कद्दू। और ये एक सब्जी है। इसे हैलोवीन में लैंटर्न्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बस यही बची है। क्या है ये बताओ? चलो ये तो बता दो। हाँ ऑरेंज यानी नारंगी। और ये एक फल है। इसमें बहुत सा विटामिन सी होता है। वाह क्या बात है, हमने सीख लिया। आज हमने फलों और सब्जियों के नाम सीखे। बाय। हेलो फ्रेंड्स। अरे ये व्हील मेरी तरफ क्यों आ रही है? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अच्छा समझ गया, अभी बताता हूँ। मेरा नाम है केंट। मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। आज मैं सीखूंगा कलर्स के नेम। बड़ा मजा आएगा, यही है मेरा एम। ये घूम क्यों नहीं रहा है? घूम जा घूम जा। यस घूम गया। देखते हैं कहाँ रुकेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। कौन सा कलर इसमें है प्लीज केंट को बता दो। Yeah!
का कलर है रेड यानी लाल। बाय, फिर मिलूंगा। हाय, ओ बी तो फिर से आ रहा है। वो आ गया। ये मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। पहले मैंने सीखा रेड कलर का नेम, बड़ा मजा आया, यही था मेरा एम। अरे ये घूम क्यों नहीं रहा है, घूम जाओ। घूम गया, देखता हूँ कहाँ रुकेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, कौन सा कलर इसमें है प्लीज केंट को बता दो। ये इतनी सारी बॉल्स, इनका रंग है येलो यानी पीला। बाय बाय, मैं आ गया। हाय, अब और कलर्स के बारे में जानेंगे। अरे ये तो फिर से आ गया। ये दोस्तों मैं अभी आया, मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। मैंने सीखा रेड येलो नेम, बड़ा मजा आया, यही था मेरा एम। इसे फिर से घुमाता हूँ। अरे ये तो फिर से नहीं घूम रहा, घूम जा। घूम गया, देखता हूँ कहाँ रुकेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, कौन सा कलर इसमें है प्लीज केंट को बता दो। ये फिर से इतनी सारी बॉल्स, पिंक यानी गुलाबी। बाय बाय, मैं आ गया। हाय, ओ वी भी फिर से आ गया। अब और कलर्स के बारे में जानेंगे। ये हे, मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। मैंने सीखा रेड येलो पिंक नेम, बड़ा मजा आया, यही था मेरा एम। इसे फिर से घुमाता हूँ, फिर से अटक गया। घूम जा, घूम गया, देखते हैं कहाँ रुकेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, कौन सा कलर इसमें है प्लीज केंट को बता दो। ये इतनी सारी हरी बॉल्स, ये सारी हरी है, इतनी सारी हरी बॉल्स। अगली बार फिर मिलेंगे। मैं आपका फेवरेट हूँ ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक छोटा केंट।